मेरा नाम हेमंत चौधरी है। मैं फिल्म और टेलीविज़न में पिछले 15-16 सालों से कार्यरत हूँ। वैसे तो मेरी शुरुआत बॉर्डर फिल्म से हुई थी एज एन एयरफोर्स ऑफिसर, और सीरियल में मेरी शुरुआत घराना सीरियल जो कि जी टीवी पे आता था, काफ़ी हिट हुआ था, उससे हुई थी। बाकी घराना के बाद मेरे काफ़ी सारे सीरियल्स आए, कुछ कैमियोज़ आए लाइक कुमकुम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बट फिर उसके बाद जो मेजर वर्क शुरू हुआ सीरियल में एज एन एक्टर, वो था हर घर कुछ कहता है, जिसके लिए मैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए भी नॉमिनेट हुआ था जी रिश्ते अवार्ड में। देन झांसी की रानी, वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर में, जो कॉन्टिलो का ही एक प्रोजेक्ट था, जी टीवी पे आता था। उसमें मेरा कैरेक्टर रघुनाथ सिंह काफ़ी फेमस हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ। देन फॉलोड बाय शिवाजी, उसके बाद मैंने महाभारत किया स्टार प्लस का एज कृपाचार्य, और जो लास्ट शो मैंने किया वो स्टार प्लस का ही था, एक घर बनाऊंगा, और इस समय महाराणा प्रताप कर रहा हूँ, देखिए कब तक चलता है। वैसे तो फर्स्ट फिल्म मैंने 1998 में किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से आई हैड गॉन बैक टू माई होम टाउन। फिर वापस मैं 2000 में आया, उसके बाद से कांस्टेंट भगवान की दया से टेलीविज़न खास करके ज़्यादा कर रहा हूँ। फिल्में मैंने इक्के दुक्के की हैं। लास्ट फिल्म मेरी थी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई पार्ट वन विथ अजय सर एंड कंगना मैम। शुरुआत मुझे एज एन एक्टर यूँ मैं कहूँगा इट वॉज बॉर्डर फिल्म ऑनली, और सीरियल में घराना वॉज माई फर्स्ट शो। पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन किया है जियोलॉजी ऑनर्स में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में था मैं, फिर उसके बाद यहाँ आ गया। थोड़ा बैकग्राउंड डिफेंस से है, क्योंकि मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी गया था, बट किसी खास कारणों की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सका, मेरे पर्सनल रीजंस थे। बेसिकली मैं हूँ झारखंड का रहने वाला, जो बिहार का ही एक अंग हुआ करता था, जो अभी अलग हो गया। बेसिकली आई एम फ्रॉम झारखंड। झांसी की रानी में मैं रानी का सबसे खास सेनापति था, बहुत वीर, बहुत साहसी, बहुत जुझारू, मतलब कमांडर था, और एंड तक मैंने झांसी की रानी जी को के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया था। बड़ा ही ज़बरदस्त रोल था वो, और लोगों को भी बहुत पसंद आया था, और मुझे करने में खास करके बहुत मज़ा आया था, बिकॉज बेसिकली बाय नेचर आई एम लाइक दैट। मे बी बिकॉज मैं आर्मी के बैकग्राउंड का हूँ, तो उसकी वजह से मुझे इस तरह के रोल करने में बहुत मज़ा आता है। जी, एक्चुअली मैं शुरू से दिखता हमेशा एक ऑफिसर की तरह हूँ, तो जब मेरी मुलाकात जेपी सर से हुई थी, उन्होंने देख के ही मुझे कहा था यू लुक लाइक एन ऑफिसर एंड यू विल बी माई एयरफोर्स ऑफिसर। इनफैक्ट उस फिल्म में मैंने उनके बड़े भाई का, जो रियल लाइफ में उनके बड़े भाई थे, वो एक एयरफोर्स ऑफिसर थे हु हैड डाइड इन एन एयर क्रैश, उस चीज़ को पोर्ट्रे उन्होंने फिल्म में कराई थी। वो रोल जैकी सर ने किया था, और उनके बेस्ट फ्रेंड का रोल मैंने किया था, जो वैसे तो काफ़ी जूनियर है, बट जैकी साहब के साथ मेरे काफ़ी अच्छे उस फिल्म में एक इक्वेशन बना हुआ था। हाँ, वंस अपॉन ए टाइम में मेरा, हालांकि सीन काफ़ी नहीं था, दो तीन ही सीन थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सीन बहुत इम्पॉर्टेंट था। मेरी वजह से हीरो हीरोइन की मीटिंग होती है फिल्म में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट था। इनफैक्ट उस फिल्म में मैं एक हीरो का रोल कर रहा था, और कंगना जी मेरे साथ काम कर रही होती हैं, जहाँ अजय सर आते हैं मिलने के लिए कंगना रनावत जी से एक अमरूद लेकर के। बड़ा ही एक प्यारा सा सीन था, बड़ा ही एक लाइट हार्टेड सीन था, और उस सीन को काफ़ी पसंद किया गया था। उस सीन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि आज भी जो भी वो सीन को देखते हैं बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि उस सीन में ऐसा कुछ हुआ था कि अमरूद लेके आते हैं अजय जी, और बातों बातों में मेरे दोनों पैरों के बीच में बैठ जाते हैं, तो बड़ा ही वो फनी सा एक सिचुएशन हुआ था, और काफ़ी मज़ा भी आया था करने में। खाने में मैं सब तरह का खाना खाता हूँ, नॉनवेज ज़्यादा पसंद करता हूँ। परफेक्ट भाई, मैं, मेरी नज़र में वैसे तो जितने एक्टर हैं मैं सभी को बहुत मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिस्टर आमिर खान, मिस्टर कमल हसन आर माय फेवरेट्स। मस्त रहिए, खुश रहिए, और प्यार बढ़ाते चलिए, यही कहेंगे, भाईचारा बढ़ाते चलिए। ज़िंदगी छोटी है, उसे जिए बस।